नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी का सर्वनाम पढ़ेंगे हम जल्दी से, बहुत ही छोटे से पार्ट में, जिसको हमें समझना है आपके एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा पढ़ते हो तो वो तो हाई लेवल की बात है। आगे आप TGT PGT के लिए हिंदी में जाते हो तो बात अलग है। लेकिन आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ते हो, आप कोई यूपी टेट दे रहे हो या कोई SI के दे रहे हो या कोई मतलब CET दे रहे हो, तो उसके अंदर बस हिंदी आपसे क्या पूछा जाता है वो चीज़ें मैं बताता हूँ। भाई नॉर्मल सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, उसको आप इस आराम से छोटे तरीके से किस प्रकार से हल कर सकते हो बिना परिभाषा। परिभाषा पढ़े हुए हमें कोई मतलब नहीं है परिभाषा क्या है, क्या सिस्टम है, लेकिन आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बस इतना हमें पता है। ठीक है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? देखो, सर्वनाम यानी सर्व सबका नाम, जिसके अंदर सबका नाम छुपा हो, ठीक है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सबका नाम लिया जा सके जिससे, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम ये नहीं है, ठीक है ना। या डेफिनेशन ये होती है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर, यानी किसके स्थान पर संज्ञा की जगह ले रहे हैं, किसकी संज्ञा जगह ले रही है, संज्ञा की, संज्ञा के स्थान पर, या जो संज्ञा की पुनः आवृत्ति, पुनः आवृत्ति का मतलब बार बार अगर संज्ञा को प्रयोग किया, जैसे राम खाता है, राम खाता है, राम खाने के बाद राम घर जाएगा, राम सो रहा है, राम उठेगा, राम ये करेगा, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, बार बार कोई शब्द को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पता है ना आपको मैं कौन हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि संज्ञा की बार बार पुनः आवृत्ति को रोकने के लिए, जैसे गुरु मतलब कोई शहर का, भारत का नाम ले लो, भारत एक देश है, ठीक है, भारत में 28 राज्य नहीं, भारत एक देश है, कोमा लगाओगे उसमें 28 राज्य हैं, उसमें किसके लिए प्रयोग हुआ, भारत के लिए, यानी भारत संज्ञा थी उसके लिए सर्वनाम प्रयोग, एक शब्द प्रयोग हुआ, उसको हम सर्वनाम कहते हैं, ये बात थी। ठीक है, सबका नाम, जैसे उसकी एक शब्द याद रखना, अभी ये क्या करता है, तो ये पुनः आवृत्ति रोकता है, क्या रोकता है, पुनः आवृत्ति रोकता है, यानी बार बार किसकी संज्ञा की पुनः आवृत्ति रोकता है, ठीक है, और शब्द को जो वाक्य है उसको क्या है, सुंदर बनाने का काम करता है। जैसे राम क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे राम तो संज्ञा है, ठीक है, राम गा रहा है, उसके बाद वह घर जाएगा, अब वह कौन है, वही राम के लिए तो प्रयोग हुआ ना, इस संज्ञा की जगह क्या प्रयोग कर दिया, वह, तो ये क्या है, सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम, जो किसके स्थान पे प्रयोग हुआ, संज्ञा के स्थान पे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ये बात तो कंप्लीट हुई, ठीक है। सर्वनाम जो हिंदी में, अगर सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 11 है, कितनी है, 11। मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ठीक है, ये तो प्रश्नवाचक हो गए आपके, जो सो संबंधवाचक हो गए आपके, सारे याद हो जाएंगे आपको, कुछ कोई अनिश्चितवाचक हो गए आपके, मैं तू आप ये क्या हो गए, मैं तू आप ये हो गए, आप हो गया निजवाचक हो गया आपका, ठीक है, मैं तू ये पुरुषवाचक हो गए, ये है वह, ये निश्चित हो गए, ठीक है, सारे के सारे आ जाएंगे आपके। यानी अगर भेद पूछे सर्वनाम के, तो सर्वनाम के 6 भेद है, आराम से याद हो जाएंगे आप, आराम से टिक कर पाओगे। सर्वनाम के भेद पूछे तो कितने हैं, 6 भेद हैं। जो किसी निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, कुछ भी तो नहीं है यार इनमें, कुछ भी नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है आपके लिए हिंदी के, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ देखो, निश्चय सबको पता है, निश्चय, निश्चित, जिसमें निश्चित शब्द का योग जो रहा है, मान लो अगर कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग तो होता ही होता, आपको पता है, वो किसी निश्चित वस्तु, ठीक है ना, किसी निश्चित वस्तु का बोध करवा रहा है, किसी निश्चित संज्ञा का बोध करवा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक, ठीक है। जैसे यह, वह, ये, वो, शब्द के साथ चलेंगे आप, टेंशन मत लेना। जैसे यह, वह, ये, वो, यानी मैं कह दूं यह कार मेरी है, ठीक है, तो यह क्या है, यह किसके लिए प्रयोग हुआ है, यह कार, यानी कार के लिए प्रयोग हुआ है,
यह कार मेरी है, यानी सामने है, निश्चित ही है, रियल में कार है वहां पे, ठीक है ना। तो यह, अगर यह शब्द आ जाए तो वो कौन सा होगा, निश्चित। वह आप आराम से इसको रटना नहीं है, मैं कह रहा हूं वह दुकान खुली है, यानी किस किसके लिए कह रहा है, वह दुकान के लिए, यानी दुकान जो है वो सामने निश्चित ही है ना, दुकान है, जो चीज है हमें पता है, निश्चित है, हमें पता है वो है, ठीक है ना। मार्कर है, तो ये क्या करूंगा, यह मार्कर क्या है, मैं कह दूं यह मार्कर नीला चलता है, तो यह मार्कर मुझे पता है निश्चित, यानी आप निश्चय रूप से जिस चीज को देख सकते हो या निश्चित रूप से जिस चीज के बारे में जानते हो उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के पद शब्द हैं, ठीक है ना। यह है, वह, ये, वो, यानी आप देख रहे हो, आप जिसके इशारा कर रहे हो ना, ये, वह, ये, वो, समझ रहे हो, जो देख सकते हो, यानी निर्जीव चीजें जो है उनके बारे में ज्यादातर ये होता है, ये, वो, ये, ठीक है ना। तो निर्जीव चीजों के बारे में कौन सा है, निश्चयवाचक, कोई वस्तु के बारे में जो बोध करवाता है, ठीक है ना, वो है निश्चयवाचक। अनिश्चय जिसका पता ही नहीं है या नहीं है, आप कंफ्यूज हो, कितना है, कुछ है, आपको नहीं पता, ठीक है ना, वो शब्द जो क्या है, अनिश्चित होने का बोध करवाते हैं, पता नहीं कितना है, कुछ है बस, तो आप कहोगे जी अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चित है, पता नहीं जिसका, कोई है, कोई मिल गया, पता नहीं कौन मिल गया भाई, कोई मिल गया, ठीक है ना, कुछ कुछ चीनी डालो, ठीक है ना, कुछ क्या करना है, चीनी डालनी है, तो कुछ का मतलब कितनी, पता तो निश्चित तो नहीं है ना, कितनी, जहां पर ये क्वेश्चन आ जाए कितने, तो वो क्या है, कुछ चीनी डालो, कोई गया है, अब आपको पता नहीं कोई गया है, तो इसका मतलब आपको पता होता तो आप कहते रामू गया है, श्यामू गया है, राम गया है, सीता गई है, गीता गई है, ठीक है, शीतल गई है, लेकिन आपको पता नहीं कोई है, गया है, यानी आप निश्चित नहीं हो कौन गया है, तब वो क्या है, कुछ और कोई शब्द है जो अनिश्चितता का बोध करवाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। व्यक्ति के बारे में, पुरुष, पुरुष के बारे में, यानी व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रहा हो, व्यक्ति के बारे में क्या है, कौन है, ये तो प्रश्नवाचक हो गए, मैं, तुम, वे, ये, ठीक है ना, ये शब्द यहाँ पे भी आए हैं और ये शब्द यहाँ पे भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लो आप, ये कोई निर्जीव वस्तु के बारे में बता रहे होते हैं मान लो, और ये सजीव वस्तु है व्यक्ति के बारे में, क्योंकि बोलने का जो काम है हम करते हैं, कौन करते हैं, हम करते हैं, और बोलते नहीं है, बोलते हैं तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना, लिखने का काम हम करते हैं, बोलने का काम तो पुरुष क्या करता है, हम जब दो बंदे बात कर रहे हों खत्म ही करते हैं ना इसको, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं, मान लो मैं कह दूं मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्या हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो पढ़ रहा होगा, यानी इस तरीके की जब बात करते हैं हम, यानी मैं, सामने बैठे वाला और किसी तीसरे पर्सन की जो हम बात करते हैं, तो वो क्या है, पुरुषवाचक है, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, उत्तम बताऊंगा, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप कहोगे जी मैं शब्द जो है, मैं, मेरे लिए प्रयोग किया है, यानी पुरुष के लिए प्रयोग किया है, तो ये कौन सा प्रयोग है, पुरुषवाचक है। आप ये कह सकते हो तू भाग रहा है, तो ये थोड़ी आप फोन मतलब दूर से कह दोगे तू भाग रहा है, उसके पास जाना पड़ेगा ना, तो ये शब्द कौन सा होगा, उत्तम होगा या सर्वोत्त, कौन सा होगा, मध्यम पुरुष होगा या न पुरुष होगा, ये चीज तो आगे थोड़ी इसी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन तू भाग रहा है किसके बारे में कहे, भागता कौन है भाई, गाड़ी को कह देगा तू भाग रही है, मोटरसाइकिल कहते तू भाग रही है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, निर्जीव को तो नहीं कहा सकता, ठीक है ना, प्राणी को ही तो कहा जा सकता है ना, तू भाग रहा है, यानी ये शब्द उसको समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है, तो तू भाग रहा है, तो इस प्रकार के को क्या कहते हैं, वे भाग रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे,
विनाश रहे होंगे, ठीक है, यानी दो बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, ये वे जब शब्द आते हैं, क्लियर है, इनको शब्द समझेंगे थोड़ा सा लास्ट में। प्रश्नवाचक क्या, कौन, क्या, जिसके पीछे प्रश्न लगा हो, यानी किसी से प्रश्न पूछे जाने का बोध जहाँ पे हो रहा हो वहाँ पर जो सर्वनाम प्रयोग होता है वो प्रयोग कौन होगा, प्रश्नवाचक सबको पता है, यहाँ पर ये आ जाएगा। क्या हाल है, ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है, आपसे कहते क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस प्रकार के शब्द प्रयोग करें। कौन आया था, कौन गया था, कौन आएगा, कौन जाएगा, क्या होगा, क्या होने वाला है, ठीक है ना, कौन पढ़ने वाला है, कौन सिलेक्शन लेने वाला है, किसका कटने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, यानी क्या, कौन, क्या, जहाँ प्रश्नवाचक आ जाए तो उसी तो आराम से पहचान लोगे आप, ये नाम देखते हैं ना प्रश्नवाचक चिन्ह को। संबंध बताता हो, यानी संबंध ये नहीं बताता है मम्मी पापा, ठीक है ना, आपका मम्मी पापा के बारे में, प्रेम प्रेमिका के बारे में, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये क्या करता है, एक वाक्य का दूसरे, जब जॉइंट, यानी आप जब दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो एक वाक्य दूसरे वाक्य, पहला वाक्य या दूसरा, दूसरा या पहला, दोनों एक दूसरे पे आधारित हो, किस प्रकार से आधारित हो, यानी वो पढ़ने के बगैर वो पढ़ समझ में नहीं आएगा, वो पढ़ने के बगैर वो समझ नहीं आएगा, तो उसका संबंध कहते हैं, यानी संबंध, जो सो जिसका, ठीक है, जो बोएगा, वो काटेगा, ठीक है, नहीं आएगा ना, तो जो, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, क्या है इसका मतलब निकलेगा कोई, इसका मतलब निकलेगा कोई नहीं, ठीक है ना। अब आपसे, जिसकी भैंस उसकी लाठी, जिसकी भैंस, जिसकी भैंस, ठीक है ना, अब ये क्या कहेगा, जिसकी, उल्टा लिख देगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस, यानी जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, ठीक है ना, जैसे को तैसा, जो बोएगा वह काटेगा, जैसे को तैसा, इस प्रकार के वाक्य जिनके अंदर दो वाक्य हो, एक दूसरे पे डिपेंड हो, मैंने लिखा नहीं है क्या यहाँ पे, जैसे जो सो, जिसका, जिसकी, इस प्रकार के, उसका, उसकी, इस प्रकार के शब्द आए, जो आए, सो आए, मतलब ये दो शब्द जो हैं वो याद रखना, जो सो, इससे बनेंगे जिसकी, उसकी, 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 सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये शब्द हैं जो एक दूसरे पे एक मुहावरे की तरह जो काम करेंगे, उस प्रकार के संबंध जिसमें वो प्रयोग होते हैं, वो क्या है, संबंध, संबंध दर्शाते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाते हैं, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दर्शाते हैं, दूसरे का पहले से दर्शाते हैं, पहले से, पहले का दूसरे से दर्शाते हैं, यानी दोनों वाक्यों का संबंध बनाते हैं, तो उस वाक्य को हम क्या, उस, ठीक है ना, तो उस सर्वनाम को क्या कहते हैं, हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज, निज, निजी, पर्सनल, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल, 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 यानी पर्सनल, पर्सनल का मतलब ये तो मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है ना, ये मेरी पर्सनल बातें हैं, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, ठीक है। तो पर्सनल का मतलब किससे हो गया, खुद से, किससे, खुद, जो शब्द खुद के लिए प्रयोग हो, केवल खुद के लिए, किसके लिए, खुद के लिए प्रयोग हो, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, निजवाचक। जैसे सौम्य, आप खुद, ये काम मैं स्वयं करूंगा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये कार्य मैं स्वयं करूंगा, तो मैं तो देख लो, ये मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो मैं तो है पुरुषवाचक, पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये तो पुरुषवाचक है। स्वयं, ये शब्द जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे दो सर्वनाम प्रयोग है, स्वयं किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आप देख लो निजवाचक, यानी निज बात कही उसने, मैं खुद जाऊंगा
यानी मैं खुद जाऊंगा, निजी अपने बारे में बात कर रहा है, मैं खुद जाऊंगा, ठीक है ना, ये काम करने मैं खुद जाऊंगा, ठीक है, मैं समय कार्य कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ समय का प्रयोग हुआ है, यानी जहाँ पर खुद अपने आप खुद समय का प्रयोग हो, यानी ये शब्द मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं, मैं आप खुद आप, ठीक है ना, आप उसके लिए नहीं, आप कहते हो आप, ये ऐसा कोई शब्द नहीं है, अभी आप मतलब अपने आप, आपके अंदर आप, ठीक है ना, खुद स्वयं, ये शब्द जहाँ पर आते हैं वो कौन से हैं, निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक क्या है, सर्वनाम, बस इतना ही था, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पढ़नी है हमें, यहाँ से थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है और वो गलत मत करना, बस निश्चित हो जिसमें, यार जिसमें निश्चित हो, आप निश्चित रूप से जो शब्द प्रयोग निश्चित के लिए अपने आप यूज करके देखो, ये शब्द आप डेली यूज करते हो आप, ठीक है ना, यह है वह है ये है वो है, ठीक है ना, अनिश्चित जिसके बारे में कुछ पता नहीं, कोई कुछ कितना कोई है कुछ है, कोई तो मतलब सजीव के लिए प्रयोग हो जाएगा और कुछ निर्जीव के लिए, कुछ मतलब जिस चीज़ को आप गिन सकते हो, जिस चीज़ को आप गिनती कर सकते हो, जिस तौर को तोल सकते हो, माप सकते हो, ऐसी चीज़ों के लिए कुछ प्रयोग होगा, और जिसको हम पुरुष जैसे प्राणी कोई उसके लिए, ठीक है, सजीव जो होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए प्रयोग होगा कोई, और बाकी के लिए नॉन लिविंग के लिए होगा कुछ, ठीक है। पुरुषवाचक व्यक्ति, मैं तू वे, पुरुषवाचक इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पर्सन क्या कौन कितना, संबंधवाचक जो एक शब्द का दूसरे का संबंध दर्शाते हो, जैसे जिसका जिसका उसका उसका, निजवाचक यानी निजी पर्सनल अपने बारे में कुछ कह रहा हो, आप खुद समय, ना ना कर गई, तो ये हो गया बस, इतना ज्यादा कुछ नहीं आता, आपसे सीधा पूछा जाएगा इस शब्द सर्वनाम जो ये प्रयोग हुआ है आप, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, मैं तू वे किसके लिए, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सर्वनाम पुरुषवाचक तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अन्य पुरुष, ठीक है, एक आप हो, एक कोई सुनने वाला है, और एक क्या है जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं चुगली कर रहा हूँ, मान लो मैं चुगली कर रहा हूँ किसके, आपके साथ, ठीक है, और चुगली करूँगा तो किसरे करूँगा, तीसरे की करूँगा, किसकी करूँगा, तीसरे की करूँगा, ठीक है, तीसरे की करूँगा, यानी मैं खुद को क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैं तो उत्तम हूँ भाई साहब, सबसे पहले अपनी आप बढ़ाई करूँगा, मैं तो सबसे बेस्ट बताऊँगा मेरे को, ठीक है, यानी जिसको मैं बता रहा हूँ उस और इसके बीच में कौन आएगा, मध्यम व्यक्ति आएगा, यानी जिसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, और तीसरा जिसकी चुगली की जा रही है, ठीक है, जिसकी चुगली की जा रही है वो उत्तम कौन हुआ, मैं बताऊंगा तो मैं हुआ, कोई और बताता है तो और होगा, उत्तम मैं अपने आप को बताऊंगा, मध्यम बताऊंगा जिसको बताऊंगा वो, और जिसके बारे में चुगली कर रहा हूँ मान ले तो वो क्या है, तीसरा, यानी जिसकी बात, दो व्यक्ति जब बैठे हैं और किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, अन्य पुरुष, तो उत्तम यानी वक्ता जो बोल रहा है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अब पैं 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 कर रहा है कोई मान लो, तो जिसको ये वक्ता है तो कोई ना कोई सुनेगा, वो श्रोता हो जाएगा, सुनने वाला, ठीक है ना, और जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है, ठीक है ना, जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में, ठीक है, कोई तो बोल रहा है उसे वक्ता, सुन रहा है वो श्रोता, और जिसके बारे में कह रहा है यानी कि ये कुछ कहेगा या तीसरे के बारे में कहे, हो सकता है दोनों अपने आप बात करें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये तीसरे के बारे में कुछ कह रहा होगा, जिसके बारे में कुछ कह रहा होगा, जैसे मैं कह दूं यार वो बहुत दुष्ट आदमी है, यानी वो दुष्ट के सामने तो मैं नहीं कहूँगा ना, दुष्ट है, हो सकता है मेरा भी कल्याण कर दे, तो मैं किसी को कहूँगा, ठीक है ना, मैं कहूँगा किसको कहूँगा,
मध्यम पुरुष को कहूंगा, किसके बारे में कहूंगा, दुष्ट आदमी किसी तीसरे के बारे में कहूंगा। तो ये बातें हैं, यानी मध्यम उत्तम पुरुष वह होता है जो बोलता है, वक्ता होता है, ठीक है ना। मध्यम पुरुष वह होता है जो सुनता है, श्रोता होता है, सीधी सीधी बात है। अन्य जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। दो व्यक्ति जब तीसरे के बारे में बात कर रहे हो तो उसको अन्य पुरुष कहते हैं, है तो पुरुष ही ना। बस क्लियर हुई बात। जैसे उत्तम, उत्तम के अंदर आता है मैं शब्द, मैं बहुत खतरनाक शब्द है भाई मैं, और इसके अंदर आ गया तू शब्द, तू, और इसके अंदर आ गया ये, वे, यह, ठीक है। मैं से क्या क्या शब्द बन सकते हैं, जैसे मैं से मेरा, मुझको, मुझसे, ठीक है। जैसे एक हम, हमसे, हमको, ये क्या है, देखो हम, देखो और बता रहा हूँ मैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, आपसे, आपकी। बस ये रटना नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा ये, वे, वह, ठीक है। यानी मैं जब मेरे बारे में बात करूं तो मुझसे ये बात हो गई है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे रोना है, मुझे धोना है, मुझे खाना है, मुझको जाना है, ठीक है ना। वो तो शब्द वाक्य के अनुसार प्रयोग होते हैं, ठीक है। हम खेल रहे हैं, यानी हम का मतलब पूरे ग्रुप को संबोधित कर दिया, हम खेल रहे हैं, ठीक है ना। हमको खेलना है, ठीक है, हमसे आपको क्या मतलब है, क्लियर हुई बात। तो ये शब्द यानी मेरे बारे में यूज होंगे ये, तो मैं क्या है, उत्तम पुरुष हूँ। मध्यम तू, तू तड़ाक, तू तड़ाक, तू, तुम, तुम्हारा, क्या लेना देना है भाई, ठीक है ना। तुमसे, आपको, आपसे क्या मतलब, आपकी मर्जी थोड़ी पूछूंगा, इस प्रकार के शब्द जहाँ प्रयोग होते हैं। यानी मैं किसी से कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम, दूसरे के बारे में पूछ रहा हूँ तो वो क्या है, तू तड़ाक से हम बात करते हैं दूसरे से। अन्य पुरुष जिसके बारे में क्या हो रहा हो, जिसके बारे में बात हो रही, अरे वो ना कल वहाँ देखा था मैंने, ठीक है, पार्क के अंदर घूम रहा था, यानी वो, यानी कौन हो गया, अन्य, वे दोनों पार्क में बैठे थे, वे मूवी देखने गए थे, यानी वे यहाँ पर है, हम दो बात कर रहे हैं, और तीसरे की जिसकी बात करते हैं वे अन्य में आते हैं, चाहे हम दो यहाँ हैं वो तीसरा वहीं हो पास में, कोई मतलब नहीं है, बात तो हम कर रहे हैं ना, तो हम कर रहे हैं तो तीसरे की बात करें वो, ठीक है। तो ये, वे, यह, वह, ये शब्द हमने कहीं प्रयोग किए थे पहले, याद करो तो, निश्चयवाचक में, ठीक है ना। तो निश्चयवाचक में मैंने बताया था ये पुरुष वहाँ पर क्या था, ऐ वस्तु का प्रयोग हो रहा था, कहीं निर्जीव वस्तु के बारे में कह रहे थे। या हम ये, वे किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, कोई मनुष्य के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कोई पुरुष के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तब ये, वे, उनका शब्द अगर निकले, ये, वे पुरुष की तुलना की जाए किसी भी शब्द से, उसकी जगह प्रयोग हो, तो ये, वे, ये क्या है, अन्य पुरुष में आते हैं। ये, वे, यह आदमी, मैं किसी को कह रहा हूँ यह आदमी, इससे बच के रहना, ये बहुत खतरनाक है, यानी मैं कह रहा हूँ किसके बारे में, किसी के बारे में, अरे वो बहुत खतरनाक आदमी है, यानी तीसरा हो गया, तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये था सर्वनाम, खत्म, ठीक है। सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, संख्या 11 होती है, मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, ठीक है ना। तो ये मैं, तू, मैं, तू, मैं, तू, मैं, तू, आप, ठीक है ना, मैं, तू, आप, ये शब्द कहाँ आए, देखो मैं, तू, आप, ये तो आगे पुरुषवाचक में। यह, वह किसमें आए, किसमें आ गए, पुरुषवाचक में। कुछ, कोई, कुछ, कोई, अनिश्चितवाचक में। जो, सो, संबंधवाचक, कौन, क्या, प्रश्नवाचक, ठीक है ना।
कौन है, कौन है, क्या है, ये प्रश्नवाचक। ये 11 11 के क्या है, इनकी संख्या है। सर्वनाम के भेद 6 हैं, निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक कौन से और हो गए, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और पुरुषवाचक। 6 भेद हैं, 6 को पढ़े हमने। पुरुषवाचक भी हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये था आपका सर्वनाम आज के लिए। फिर इतना ही, समझ में आई हो वीडियो तो कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जान रहे हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन वेफिनेशन हिंदी के अंदर नहीं पूछी जाती आपसे, व्याकरण पूछी जाएगी और व्याकरण आराम से आप हल कर सकते हो अगर इतना पढ़ लिया तो। सर्वनाम का कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से हल हो जाएगा, बस इतना पढ़ लिया तो। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, आपका भला हो, भगवान आपका जल्दी से जल्दी भला करे।